Welcome back. In my previous video, I introduced you with the database, जो database एक tutorial में future में use होगा. That is web डेटाबेस, MySQL वेब सर्वर में जो डेटाबेस रखते हैं वो डेटाबेस को MySQL को हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा जी हम लोग क्या क्या यूज करने वाला है, मालूम पड़ा होगा. अगर नहीं मालूम पड़ा तो आप एक बार फिर से मेरा वीडियो देख लीजिएगा. उस वीडियो में मैं डिटेल्स में मेरा डेटाबेस क्या क्या जो टेबल हम लोग यूज करने वाला है दिस प्रोजेक्ट में बट दिस ट्यूटोरियल में वो हम पिछले वीडियो में दिखाया. अभी इस वीडियो में हम दिखाने वाला है हाउ टू क्रिएट लोकल डेटाबेस एंड लोकल डेटाबेस का जो सेटअप हमको इस ट्यूटोरियल में इन फ्यूचर में चाहिए, क्योंकि कोई भी हम जो कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें हमको लोकल डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा. क्योंकि मेरा जो ट्यूटोरियल है एक जीएसटी बिल एंट्री, और जीएसटी बिल एंट्री में काफी सारा फील्ड इसमें यूज होगा. और लोकल डेटाबेस के थ्रू उसको यूज करके हम लोग रिमोट डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, एडिट के टाइम एडिट का जरूरत होगा एडिट करेंगे, बट डिलीट करना है तो करेंगे. तो लेट्स शुरू. एक लेता है बिल डेटा. इसमें हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं GST data string SL number string item name string item code string bill unit string sell rate sell amount GST SGST CGST IGST अभी इसका जो अमाउंट होगा SGST परसेंटेज पार्ट CGST पार्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स GST टैक्स CGST amount, string IGST amount and next हम लोग ये करेंगे customer name by cust name string customer ID string customer address
स्ट्रिंग कस्टमर GSTIN स्ट्रिंग अभी बिल नंबर बिल डेट डिस्काउंट नाउ जीएसटी डेटा दिस डॉट एस एल एनओ दिस डॉट आइटम नेम दिस डॉट आइटम कोड दिस डॉट बिल यूनिट दिस डॉट सेल रेट दिस डॉट सेल अमाउंट दिस डॉट एस जी एस टी पर दिस डॉट सी जी एस टी पर परसेंटेज पार्मर परसेंटेज दिस डॉट आई जी एस टी पर this dot sgst amount this dot cgst amount this dot igst amount this dot customer name this dot customer id this dot customer address this dot customer GST and this dot bill number this dot bill date this dot discount next आ रहा है हमको मैपिंग करना पड़ेगा मैपिंग कैसे करना है एम ए पी मैप स्ट्रिंग डायनामिक टू मैप भार मैप फिजिकल टू मैप string dynamic right now map sleno here to sleno map item name your item name map item code is equal to item code map bill unit एक चीज छूट गया है क्वांटिटी
बिल यूनिट के बाद गेज डॉट क्वांटिटी, मैथ क्वांटिटी सेल रेट, मैप सेल अमाउंट, सेल अमाउंट मैप जीएसटी पर सी जी एस टी आई जी एस टी मैप अमाउंट जीएसटी अमाउंट सी जी एस टी आई जी एस टी मैप कस्ट नेम मैप कस्ट आईडी एड्रेस कस्टमर एड्रेस मैप कास्ट GSTIN एंड मैप बिल नंबर लास्ट में आपका डिस्काउंट कॉलम डाल दिया, ठीक है। तो इसमें और बहुत कुछ लिखना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग का जो फिलहाल जो जरूरी है ये लिखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में जो जैसे जैसे रिक्वायर होगा उसी हिसाब से इसमें डालते रहेंगे एक के बाद एक, है ना। तो उसमें क्या होगा, समझने में सुविधा होगा, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप फॉर दिस पार्ट। आज जो वीडियो बना रहा हूं ये लोकल डेटाबेस को किस हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने करके उसको इन फ्यूचर में कैसे उसको यूज करेंगे उसका एक पार्ट हम लोग बना रहे हैं। अभी एक नया एक लेगा हेल्प पार्ट, इंपोर्ट डॉट जो जो जरूरी है हम लोग इसमें कॉल कर लेता है पैकेज पाथ इंपोर्ट पैकेज एसक्यूएल, ओके। नाउ क्लास
dbcon database db, okay, and future database get eb data if db is equal to null, db is equal to at initial db. एक फंक्शन है जिस फंक्शन को मैं बाद में लिख रहा हूं, रिटर्न डीबी. दिस फंक्शन आई विल राइट लेटर. नाउ आई विल राइट दिस फ्यूचर डेटाबेस इनिशियल जो फंक्शन वहां पर हम लिखे हैं असाइन उसको अब यहां पर हम लोग असाइन करेंगे स्ट्रिंग डीबी पाथ जॉइन join get database path comma eb data dot db. Var e thread db is equal to array open database db db path version 1 and on create create db. यानी create db को भी हम बाद में असाइन करेंगे तब एरर चला जाएगा. नाउ फ्यूचर void create db database eb data integer version 8 data dot execute create table parents sln integer item name text item code text bill unit text सेलेक्ट. मैं सब टेक्स्ट में डिफाइन करता हूँ बाद में उसको जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसी हिसाब से फील्ड को हम कन्वर्ट कर ले देंगे.
सब में पार है, जीएसटी नाम, सॉरी जीएसटी अमाउंट टैक्स, जीएसटी अमाउंट टैक्स, जीएसटी अमाउंट टैक्स, उसके बाद आ रहा है कास्ट नेम टैक्स, कास्ट आईडी टैक्स, कास्ट एड्रेस टैक्स, कास्ट जीएसटी आईएन टैक्स, बिल नंबर टेक्स्ट, बिल डेट टेक्स्ट, डिस्काउंट टेक्स्ट, हो गया ना। इतना हो गया क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं, अभी जो लोकल डेटाबेस का जो पार्ट, उस पार्ट में हम जो लिखेंगे जो हाउ टू इंसर्ट डेटा, जब एक एक करके जब डेटा को हम टेम्पररी, जैसे दूसरा जब हम लोग पहले प्रोग्रामिंग करते थे .NET में डेटा टेबल यूज़ करते थे, जो डेटा टेबल टेम्पररी डेटा टेबल के हिसाब से यूज़ होता है, PHP में डेटा टेबल को हम लोग यूज़ किए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग लोकल टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। एंड हम जो कर रहे हैं ये लोकल टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ फॉर दिस ट्यूटोरियल, जो फ्यूचर में हम लोग को बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। इंसर्ट डेटा गेट जीएसटी डेटा आइटम डेटा बा टीआरएन डेटा कर देते हैं, उसके बाद फाइनल फाइनल डेटाबेस db.eb वर्ड रिजल्ट एंड db.insert TRNS, TRN data dot to, जो यहाँ पर हम लोग ये किए थे, डिफाइन किए थे उसके साथ इसका कनेक्टिविटी, ओके। रिटर्न रिजल्ट, ये हो गया आपका इंसर्ट डेटाबेस। अभी वो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम कॉल करेंगे, एंड पहले तो उसको API के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे, एंड वो कॉल करके हम लोग उसको लोकल डेटाबेस में उसको इंसर्ट करवा लेंगे। इसमें क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग फर्स्ट होगा, फ्यूचर लिस्ट get all record
string db table. Var db client held at this.db. Result db client dot raw query query select asterisk from clearance. Ho gaya na? Return result dot to list. Right, ए पार्ट हो गया आपका लिस्टिंग के लिए जो डेटाबेस को हम लोग कॉल करेंगे. अभी हम जो करने वाला है वो हो गया अपडेट. अपडेट डेटा एडिट के लिए जो चाहिएगा, एडिट के टाइम आपको ये अपडेट डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा. डेटाबेस db and this dot db data var result is equal to await db dot update trn. यहाँ पर हो जाएगा आपका trn data dot to map comma okay where item code is equal to and where trn data dot item code, right? ये हो गया अपडेट पार्ट. अभी सिंगल रिकॉर्ड डिलीट फ्यूचर वॉइड डिलीट स्ट्रिंग आइटम कोड के हिसाब से हम लोग डिलीट करेंगे सिंगल रिकॉर्ड. फाइनल डीबी this dot var result db draw delete delete from trns where item code is equal to dollar item code.
यहाँ पर एक्चुअली दो गिर गया। ओके, ये सिंगल एंट्री के टाइम कभी कोई सिंगल आइटम को डिलीट करना है तो ये वाला ऑप्शन डिलीट ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री, ये इसको कॉल करना पड़ेगा। वो तो हम बाद में दिखाएंगे। RESULT रिजल्ट। ओके, नाउ क्लियर ऑल डेटा फ्रॉम लोकल डेटाबेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वॉइड ऑल डिलीट क्लियर। इट्स वेरी सिंपल, db dot ev var result result db dot raw delete delete from element। तो ये जो कुछ मेन मेन पार्ट अभी हम इसमें यूज किया है, लेकिन और दो चार ऑप्शन हमको फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। तो आज जो लेसन हम लोग यहाँ से सीखने वाला है सीखा है जो बनाया हम देखने के लिए, तो इसमें कैसे लोकल डेटाबेस को सेटअप करेंगे आपका आपका ऐप के लिए, जो लोकल डेटाबेस के थ्रू आपको आपका मेन डेटाबेस का कनेक्शन कनेक्ट करना है। जो डेटा आप लोकल में एंट्री करके अगर आप डायरेक्टली वेब डेटाबेस को अगर एक्सेस करते हैं तो आपका बहुत टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन आप एक बार उसको लोकल डेटाबेस में स्टोर करके उसको अगर आप अपना हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बहुत कम एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं ये वीडियो। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी मच कमर्शियल ट्यूटोरियल। आप अपना लाइव प्रोग्रामिंग में फ्लटर में कोई भी सिस्टम में इसको यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार इसको जब ख़त्म होगा हम इसका पूरा प्रोजेक्ट गिटहब में दे देंगे, तो उसके लिए वो आपके लिए सुविधा होगा समझने में लिए। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप जिस हिसाब से मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ट्यूटोरियल। ओके, प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।